गाइस, गरिमा द स्टाइल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कैरा स्मूथ ट्रीटमेंट। जैसे कि सबको पता है, कैरा स्मूथ कराने से बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। एनीवे, जैसे कि सबको पता है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, लेकिन मैंने ये कराया है मथुरा में। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मथुरा के, जो लोग यहाँ रहते हैं, जिन्हें कराना है वो यहाँ के करा सकते हैं। सैलून है NS4, ये है नियरेस्ट टू सिलेक्शन यानी डैम्पियर में, तो वहाँ जाके करा सकते हैं। यहाँ का काम बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। एंड थैंक्स टू मिस्टर नौशाद भाई, इन्होंने ही मेरा किया है कैरा स्मूथ ट्रीटमेंट, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। एंड ये इनका सारा स्टाफ है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, तो आप यहाँ के करा सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को क्रिएटिव गरिमा, कॉमेंट्स बिलो। इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? इसमें मैंने स्मूथनिंग क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, लॉरियल। फर्स्ट स्टेप जी। Yeah.
तो हमें केरा स्मूथनिंग केराटिन और स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं? वैसे तीन होते केराटिन स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग, तो हम रिबॉन्डिंग की तो यहाँ पे बात ही नहीं करें, हम बात करें सिर्फ केराटिन और स्मूथनिंग की कि हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे थॉट होते हैं इसको लेके कि इससे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है या बाल डैमेज हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद बाल बहुत रफ हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी कराई है कुछ टाइम पहले ही केरा स्मूथनिंग केराटिन और स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, तो आपको वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने कैसे कराया और मेरा मतलब फाइनल लुक कैसा आया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने जो कराया उसके बाद वाले रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सबका अपना अपना हर चीज़ में यू नो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप चाहें तो आप इजीली करा सकते हैं। आई डोंट थिंक जो कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है, मुझे पहले से भी हेयर फॉल हो रहा था बिकॉज ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी वाले वो जो भी साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके लिए। तो मैंने जब स्मूथनिंग और ये केराटिन कराया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हेयर फॉल थोड़ा सा कम हो गया है, मुझे लगा कि काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हेयर फॉल मुझे लग रहा था काफ़ी कम हो गया है। बाकी देखो यार सबका अपना अपना है, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप करवा सकते हैं, मतलब एक ट्राई तो बनता है केराटिन स्मूथनिंग का। बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, जैसे कि हमें कहीं जाना है और हम बाल नहीं बना पाते, इतना टाइम नहीं है, तो फटाफट से आप बस एक काम करेंगे, आपके बाल एकदम स्ट्रेट हैं एंड यू आर रेडी टू गो कहीं भी जाना है, तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार केराटिन एंड स्मूथनिंग ट्रीटमेंट आप कराओ, एंड केराटिन तो ज़रूर कराना है, एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है केराटिन जिससे आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो वो ज़रूर एक बार करो। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जो मेरा फाइनल रिजल्ट निकल के आया था, मैं बता नहीं सकती क्योंकि इतने अच्छे बाल लग रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था मेरे बाल अच्छे, बिकॉज मेरे बाल इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, बहुत डैमेज आए थे मेरे, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बाल इतने अच्छे लग रहे थे। बट हाँ उसके बाद ना यार उसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है, वही शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना पड़ता है जो आपको वो लोग देते हैं सलून से मिलता है, मतलब वही कलर वाला केराटिन वाला, एंड प्लस थोड़ा आपको टाइम